गुरुवार को देवशयनी एकादशी के मौके पर नागपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे धापेवाड़ा में विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए पूरे विदर्भ से भक्तों ने भीड़ की है। इस मौके पर धापेवाड़ा पूरी तरह से भक्ति रस में डूबता हुआ नजर आया। हर साल देवशयानी एकादशी के दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल और माता रुक्मिणी की महापूजा में शामिल होने के लिए विदर्भ के पंढरपुर धापेवाड़ा में पहुंचते हैं। धापेवाड़ा के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह विदर्भ के भक्तों के लिए मंदिर बनाया गया है। जो लोग पंढरपुर नहीं जाते वह यहाँ पर दर्शन के लिए आते है। काही वर्ष त्यांनी वाऱ्या केल्या, एक वर्ष की ते जाऊ शकले नाही, त्यांना भेटायला पंढरीला इथे आले, त्यामुळे हे धापेवाडा पंढरपूर घडलं। आम्ही लहानपणापासून वाऱ्या करत आलो, पंढरपूरला पण वाऱ्या करत गेलो, आता ह्या वर्षी पंढरपूरला जाणं झालं नाही, त्यामुळे आम्ही इथे वारीनिमित्त आषाढी एकादशीनिमित्त। यहाँ पर स्वयं भगवान विट्ठल प्रतिपदा के दिन धापेवाड़ा आते हैं। इस दिन भक्त संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम के भजन सुनते और गाते हैं। धापेवाड़ा में प्रतिपदा के दिन अनेक मठों द्वारा डिंडी निकाली जाती है, जो धापेवाड़ा गांव का भ्रमण करते हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान विट्ठल और रुक्मिणी आते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ स्वप्निल बुंधाड़े, BCN न्यूज नागपुर।